please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बजट के पहले बजट के लिए सॉलिड पिक्स लेकर आए हैं हम इस खास शो में. हमारे साथ ट्रेडसर ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन, जॉइंट रे कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा जुड़े हुए हैं. अविनाश, आपसे अगली पिक जानना चाहूँगी, कौन से स्पेस से है, कितना रिटर्न दे सकती है? अगला स्टॉक जो हमको पसंद है वो बेसिकली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ है. ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी जो खास बात है ये है कि इसका जो इनपुट है दैट इज़ पीवीसी, ये खुद बनाती है. इनका पीवीसी प्लांट भी है तो बेसिकली इनका रॉ मटेरियल का कोई इनके लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी हाल ही में क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं तो डेफिनेटली इनके लिए एक इंटीग्रेटेड कैपेसिटी होने के कारण इनके लिए एक प्रोसेस मैन्युफैक्चर करने का काफ़ी सिंपल है. इनफैक्ट इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 साल से दिखाया है. इनफैक्ट इस साल में भी डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन और यू नो जीएसटी का इम्पैक्ट आने के बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक है. कंपनी ने यह भी कहा है कि FY19 में जो ग्रोथ वॉल्यूम आएगा वो करीबन यू नो 14-15% होगा और पीवीसी पाइप्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर ग्रोथ रूरल सेक्टर में काफ़ी ज़ोर से हुआ है. कैपेसिटी भी ये कंपनी करीबन इस साल 50,000 टन से बढ़ा रही है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कंपनी ने करीबन अपनी डेट ओवरऑल 150 करोड़ तक लाई है. आने वाले 2 साल में वो कंप्लीटली डेट फ्री होने की बात कर रही है तो ये डेफिनेटली कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और होपफुली हमको लग रहा है जीएसटी का इम्पैक्ट कंपनी को FY19 में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिवली क्योंकि काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर है जो ऑब्वियसली प्राइस कॉम्पिटिटिव थे लेकिन अभी जीएसटी आने के बाद अभी नहीं रहेंगे. तो ओवरऑल अगर किसी को नेक्स्ट 12 मंथ्स का नज़रिया लेना है तो हमको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ और टॉप लाइन ग्रोथ दोनों ही FY19 और FY20 में ठीक ठाक रहेगी. प्लस बजट में भी हमको लग रहा है कि पीवीसी पाइप्स को लेके डेफिनेटली इरिगेशन जो सेक्टर है इसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स आएंगे और इनडायरेक्टली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फायदा होगा. तो एक साल के नज़रिए से यहाँ पे ज़रूर यू नो इन्वेस्टर्स इसको कंसिडर कर सकते हैं. हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस करीबन 750 है. ओके, तो अगले एक साल के लिए 750 के टारगेट के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज खरीदी जा सकती है. रॉ मटेरियल की कीमतें ज़रूर बढ़ रही हैं लेकिन इंटीग्रेटेड है इसलिए असर थोड़ा कम होगा, मार्जिन बेहतर हो सकते हैं. संदीप, आपकी राय में नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में सरकार कहीं ना कहीं PSUs की स्ट्रेंथनिंग को लेकर बहुत ध्यान देगी क्योंकि उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना और अच्छे टारगेट्स अचीव करने हैं फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी कंपनी है बामर लॉरी और सिर्फ 2800 करोड़ की मार्केट कैप है और 250 करोड़ का सालाना पैट है, 2000 करोड़ का टर्नओवर है और एक तरीके से ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्शन सर्विसेज में है. तो देखा जाए तो करीब 8-10 प्रोडक्शन सर्विसेज है जिसमें से लॉजिस्टिक्स है, स्टील बैरल्स बनाती है, ऑयल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज में भी है, फिर कुछ ल्यूब्रिकेंट्स भी बनाती है, कॉरपोरेट ट्रैवल सर्विसेज में है और मिनी रत्ना कैटेगरी मिनी रत्ना वन स्टेटस दिया हुआ है इसको सरकार ने. तो मुझे और करीब 150 साल से ये कंपनी काम कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि खास बात यह है कि पिछले एक साल में सिर्फ 9% बढ़ा है स्टॉक. तो इसीलिए जो मिड कैप्स में जो करेक्शन आया उसमें ये भी करेक्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से. और जीरो डेट कंपनी है और डिविडेंड यील्ड करीब 2.86% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 22% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 16-17% की है और करीब 15-16 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जीरो डेट कंपनी इतने सस्ते पी मल्टीपल पे इतना बेहतरीन गैमूट ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में है और मिनी रत्ना स्टेटस है, इन सब को देखते हुए लगता है कि ये बहुत आराम से 325 का टारगेट 6-9 महीने की अवधि में अचीव कर सकता है. तो बाबर लॉरी पसंद है यहाँ पर, ये बेहतरीन रिटर्न दे सकती है अगले 6-9 महीने में ही. शर्मा जी, आप 3 पिक्स लेकर आए हैं, एक और पिक बाकी है, कौन सी है वो? देखिए, गवर्नमेंट को इस बजट में एग्री के अलावा, इंफ्रा के अलावा इंडस्ट्री को भी पुश देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को भी पुश देना पड़ेगा और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत जो है, एक तो कॉरपोरेट रेट टैक्स रेट है वो इन जनरल थोड़ा कम करे लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो मुझे लगता है कि पक्का होना है वो है कि मैट के अंदर, मैट की टैक्स रेट के अंदर जो है रिलैक्सेशन आए और विशेष रूप से SEZ के लिए जो मैट है उसमें रिलैक्सेशन आए ताकि एक्सपोर्ट पुश जो अटक गया था पिछले कई सालों से SEZ के ऊपर टैक्स विड्रॉ करने के कारण, तो वो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट डेफिनेटली पुश करेगी और SEZ पे अगर मैट रेट है कम होती है
या सब्सटेंशियली रिड्यूस होती है, तो मैं समझता हूं कि अडानी पोर्ट जैसी कंपनी जिसके पास मुंदड़ा में बहुत बड़ा एसी जेड है, मैं समझता हूं वन ऑफ द लार्जेस्ट एसी जेड होगा, उसको बहुत फायदा होगा। और साथ ही साथ अदरवाइज भी अडानी पोर्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अडानी पोर्ट के वॉल्यूम्स जो है कंटेनर कार्गो के लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, लेटेस्ट क्वार्टर में भी इंप्रूव हुए हैं, साथ ही साथ उन्होंने फोरकास्ट भी किया कि आगे जाकर पे भी इंप्रूव होते रहेंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लगातार बढ़ रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वैल्यूएशन है वो बहुत रीजनेबल है। मैं समझता हूँ ये कंपनी बहुत ईजिली जो है 12 महीने में 600 रुपये तक का टारगेट आपको दिखा सकती है। बजट के पहले आपके लिए निवेश के मौके ढूंढ रहे हैं हम इस खास शो में, और इस खास शो में हमारे साथ शामिल हैं तीन एक्सपर्ट, डीडी शर्मा, अविनाश गोरक्षकर और संदीप जैन। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी आपकी नेक्स्ट पिक। आयन एक्सचेंज, ये स्टॉक वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस में है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर्टिकुलर सेक्टर पे भी काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स ला सकती है। और ख़ास बात यह कि ये कंपनी 1,00,000 इंस्टॉलेशन से ज़्यादा कर रखी है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और कई जो इस बार बजट में जो बेनिफिशियरी सेक्टर्स रहेंगे जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, इन सब में इस कंपनी के एक्टिव इंस्टॉलेशन है, और मुझे लगता है कि उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और ख़ास बात यह है कि ये स्टॉक का कल क्वार्टरली रिजल्ट भी था और बहुत अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। सिर्फ 800 करोड़ की कंपनी है, बट एक तरीके से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, करीब 5 डिकेड से, 50 सालों से कार्यरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सेक्टर में है ये एक तरीके से बहुत कम कंपनीज है इस लेवल पे काम करने वाली, और अफ्रीका, जापान, मिडिल ईस्ट, रशिया और US, इन सारी कंपनीज में कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी 800 करोड़ के मार्केट कैप पे मिलती है, और जिसकी अगर आप कैगर की बात करें, 3 साल का कैगर, नेट प्रॉफिट कैगर जो है करीब 85% का था, इबिटा ग्रोथ करीब 35% का था, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीब 24% की, इन सारे फंडामेंटल्स को देखता हूं तो मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। और अगर खास बात एक और है कि पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 11% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट इतना चला हुआ है बट ये स्टॉक ओवरऑल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया मार्केट की तेजी के साथ, तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करें 675 के टारगेट के लिए, 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। ओके, तो अगले 6 से 9 महीने में 675 तक का टारगेट आयन एक्सचेंज दे सकता है। अविनाश, आपकी तीसरी और आखिरी पिक कौन सी है? मुग्धा, आखिरी पिक हमको जो पसंद है वो ग्रीव्स कॉटन है। ग्रीव्स कॉटन एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंजीनियरिंग प्लेयर है जो काफ़ी सिग्निफिकेंटली 3-व्हीलर के पेट्रोल और डीजल इंजन बनाती है, लेकिन अभी हाल ही में कंपनी ने लास्ट 1 ईयर से अपना जो बिजनेस मॉडल है वो रूरल यू नो प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा मुड़ा है। इनफैक्ट ये रूरल इंडिया में पम्प्स और जेनसेट्स बनाती है। अभी रिसेंटली इन्होंने टिलर भी के सेगमेंट में अपना एंट्री किया है। इन्होंने हाल ही में बाहुबली नाम का टिलर इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 12 से 18 महीने में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इनफैक्ट लास्ट ईयर करीबन 1800 करोड़ के टॉप लाइन पे करीबन 245 करोड़ का एबिटा और करीबन 180 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड, डिविडेंड भी अच्छी देती है। करीबन लास्ट ईयर 2 रुपये के डिविडेंड पे 2.75% का डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। हमको लग रहा है कि टिलर मार्केट में और एग्री मार्केट में जिस प्रकार का कंपनी का फोकस आया है, होपफुली इस बजट में अगर बजट रिलेटेड रूरल अनाउंसमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली पंपसेट्स और जो टिलर मार्केट है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है, आगे भी देखने को मिलेगा। और प्लस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, वर्चुअली डेट फ्री बिजनेस है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे नंबर देखे तो ये भी काफ़ी एनकरेजिंग है। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर मार्केट सेल्स में अभी ये एंटर कर रहे हैं जहाँ पे मार्जिन 15 से 20% होते हैं। इनका डीलर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, 3000 सर्विस पॉइंट, 1200 डीलर है। तो ये सब देखते हुए हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे का सारे नेगेटिव्स फैक्टर्ड इन है और जो अपसाइड है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो करीबन 1 साल का नजरिए से हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस करीबन 208 है। ऑलराइट, तो ये है अविनाश की पिक्स। आपको बता दें उन्हें लासा सुपर जेनेरिक्स पसंद है, 240 का टारगेट अगले 1 साल में देख रहे हैं, 40% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर पसंद है, 750 का टारगेट, 15 से 20% तक का रिटर्न। ग्रीव्स कॉटन पसंद है, 208 रुपये का टारगेट यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन के लिए उन्होंने दिया है जो कि 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिखा रहा है। साथ ही डीडी शर्मा को पसंद है दीवान हाउसिंग
अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस रहेगा सरकार का, इस भरोसे पर 750 का टारगेट देख रहे हैं अगले एक साल में। HCC पसंद है 70 रुपये का टारगेट, यानी कि ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न भी। अदानी पोर्ट 600 का टारगेट, 35% का रिटर्न यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले एक साल में। वहीं संदीप जैन ने अपनी 6 से 9 महीने की रिटर्न्स दिए हैं, उनको लगता है मोनसांटो में 3050 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगले 6 से 9 महीने में। बाबन लॉरी पसंद है उन्हें, 325 का टारगेट वहाँ ये देख रहे हैं, 33% का रिटर्न। आयन एक्सचेंज भी पसंद है 675 के टारगेट के लिए। तो ये है हमारे एक्सपर्ट्स की बजट के पहले वो पिक्स जो कि आपको अगले एक साल में शानदार कमाई करा सकती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमारे दर्शकों के साथ अपने पिक्स अपने व्यूज शेयर करने के लिए। लेकिन इस खास शो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए आप CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।